जगह श्री बिमल कुमार, श्रीमती चंदा देवी, श्री सनत, श्रीमती ममता, श्री सुनील, श्रीमती नवीता, निसर्ग, आयुष, इशिका एवं समस्त अजमेरा परिवार। नीति क्लास या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर बात पर गौर नहीं करना चाहिए। हम हर बात पर गौर करने लगते हैं, इसलिए अपनी बात से पीछे रह जाते हैं। जो चीज़ हम अपना लक्ष्य बना करके रखते हैं उससे बहुत पीछे रह जाते हैं। हर्डल्स शब्दों के लाइफ में बहुत सारे आएंगे, लेकिन प्रतिकार देना ज़रूरी नहीं है। हर बार उत्तर देना यानी आप अपने आप को छोटा साबित करना चाहते हैं। सफाई वो दिया करते हैं जो चोर होते हैं, जो ईमानदार होते हैं वो तो छाती खोल कर चलते हैं। तो अगर आप छोटी छोटी बातों की सफाई दे रहे हैं या छोटी छोटी बातों से आप प्रभावित हो रहे हैं तो भी आप छोटे व्यक्ति हैं। जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो बड़ी बातों से भी, बड़े बड़े हादसों से भी प्रभावित नहीं होते। वो एक ही चीज़ सोचते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, वो यही बात सोचते हैं। तो बस आपसे भी आज यही नीति कहना है कि बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए छोटी छोटी बातों पर गौर न करें। अगर आपको बड़े लक्ष्य पाना है तो छोटी छोटी बातों पर गौर ना करें। छोटी छोटी बातों पर गौर करने से आपके बड़े बड़े लक्ष्य जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, जैसे आप स्कूल में हैं और आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप टॉप कर रहे हैं, और कोई पीछे से आपसे कह दे कि सर नकल की है, और आप अपने आप को डिफेंड करने में लग जाओगे तो आगे का नहीं पढ़ पाओगे। आप अगर आगे का डिफेंड करने में लगोगे तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप डिफेंड मत करो किसी को, और किसी को उत्तर देने की भी ज़रूरत नहीं है। आने वाला कल आपका उत्तर है। मैंने बहुत खिलाड़ी देखे मैदान पर, लेकिन अगर खिलाड़ियों में खिलाड़ी कोई देखा है तो वो खिलाड़ी है जो मैदान में अपना एग्रेसिवनेस अपने बैट से दिखाता है, अपनी जुबान से नहीं। जो अपनी जुबान से एग्रेसिव होता है वो ऊंचा नहीं हो सकता, लेकिन जो अपने खेल से एग्रेसिव है वो ऊंचा हो सकता है। शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के करें, सुनते समय भी बोलते समय भी। जो काम की चीज़ हो उसको सुने, और जो काम करना हो उस पर गौर ना करें, क्योंकि लक्ष्य हमारा प्राप्त करना हमको है, लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। इसलिए बड़े बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं किया जाता, छोटी छोटी बातों को दिल पर भी नहीं लिया जाता। मेरा ये स्वयं का अनुभव है कि जो लोग छोटी छोटी बातों को हृदय में रख लेते हैं, न वो बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं, न उनके साथ बड़े रिश्ते टिक पाते हैं। पहले का ज़माना था, शादी के पहले पति पत्नी को, पत्नी पति को देखते ही नहीं थे, पता ही नहीं था किससे हो रही है। शादी के बाद मालूम चलता था कि कौन किससे विवाह हुआ है। वो लोग निर्वाण करते थे क्योंकि पिताजी ने विवाह कर दिया है। पहले डिवोर्स नहीं होते थे, पहले तलाक नहीं होते थे, अब शादियां कम तलाक ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि निर्वाण नहीं चल रहा। छोटी छोटी बातों पर गौर किया जा रहा है जबकि बड़े बड़े संबंधों को तोड़ा जा रहा है। अपन छोटी छोटी बातों पर गौर ना करें, छोटी छोटी बातें आपके लिए ज़्यादा नुकसान होती है। देखो, आप कहीं आप लंबे हाईवे पर जा रहे हो और स्पीड ब्रेकर्स हो, लंबे हाईवे पर आप जा रहे हो और स्पीड ब्रेकर्स हो, तो जो छोटे छोटे ब्रेकर्स होते हैं उन पर ज़्यादा गौर नहीं किया करना पड़ता, लेकिन स्पीड स्लो करना पड़ती है। जब कोई आपके पीछे बैक फायर कर रहा हो, पीठ पीछे कह रहा हो, सामने कह रहा हो, तो इन सारी बातों पर आपको ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं। आपको अपने लक्ष्य पर अक्ष रखना है। मैं एग्ज़ाम देने बैठा था यूनिवर्सिटी में, सेकेंड सेमेस्टर था और डिसीजन मेकिंग का मेरा पेपर था, और मैं उस दिन मन बना के गया था कि मैं सबसे ज़्यादा आज ही लिखूँगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जब मैंने लिखना चालू किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 10 पहले घंटे में मैंने 32 पेज लिखे फुल स्पीड से। तो पीछे से 2-3 लड़कों ने हूटिंग चालू कर दी कि तो नया कालिदास आया है। मैंने उन सारी बातों को इग्नोर कर दिया, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि मुझे
मुझे अपने एग्ज़ाम में टॉप करना है। जब मैंने पूरा एग्ज़ाम कर लिया, 65 पेजेस लिखने के बाद मैंने एक गिलास पानी पिया, मैंने कहा सर पेपर। मैंने उनको जवाब नहीं दिया, क्योंकि समझदार लोग छोटी छोटी बातों का जवाब नहीं देते, ना समझ लोग जवाब देते हैं। जो ना समझ होगा वो जवाब देगा, और जो उससे बड़ा ना समझ होगा वो उसका भी उत्तर वो देगा, फिर वो चेन चलती रहेगी और इससे आपका लक्ष्य भटक जाएगा। प्रतिकार देने से प्रतिष्ठा गिरती है, समझदार व्यक्ति प्रतिकार नहीं देता। और प्रतिकार देना भी पड़े कभी तो अपने आप को संभाल करके प्रतिकार दिया जाता है, अपने आप को खोकर के नहीं दिया जाता। भले ही प्रतिकार व्यक्ति खोकर के दे दे, मेरा मानना है कि उसका चाहने वाला भी क्यों ना हो, बाहर से चाहेगा, अंदर से समझ लेगा यार ये चीज़ तो गलत है। एक बेटा भी अपने पिता के अच्छे बुरे काम को समझता है, एक बेटा भी अपने पिता के अच्छे बुरे काम को समझता है, तो फिर आप तो दुनिया में रहने वाले सभी लोग समझदार हैं ना। तो अपन जीत करना हो, अगर आपको बड़ी जीत चाहिए हो जीवन में, तो कभी भी जवाब ना दें। जवाब देने की भी ज़रूरत पड़े तो जीत से जवाब दें, जीत के जवाब ना दें। अगर आपने जीत कर भी जवाब दिया है तो भी हानि है, क्योंकि तुमने जवाब दे दिया। अगर आपने जीत कर भी जवाब दिया तो भी आपने हानि कर ली है। सो वाई टू से लेट्स डू इट, कहें नहीं करें। हर व्यक्ति का अपने अपने जीवन का एक लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाने वाले लोग होते हैं और डीमोरलाइज करने वाले भी लोग होते हैं। जैसे माना कि कोई बीच जंगल में मंदिर बना रहा हो, तो लोग बोलेंगे क्या ज़रूरत है बीच जंगल में मंदिर बनाने की, क्या ज़रूरत है, कौन जाएगा दर्शन करने, इतनी गर्मी में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, मंदिर कौन जाएगा। उससे कहना भैया भगवान का मंदिर बन रहा है, जिनको आना है वो आएंगे और जिनको नहीं आना है वो नहीं आएंगे, जिनको नहीं आना है वो मंदिर के बाजू मर के भी नहीं आएंगे, और जिनको आना है वो देव स्वर्ग से चल के भी आएंगे। तो ये चीज़ें हैं लाइफ में, आपके हर्डल्स थे हैं रहेंगे, जस्ट इग्नोर देम। और एक बड़ी बात कहता हूँ मैं आपसे, बड़े बड़े मसले छोटे छोटे तर्कों से ख़त्म किए जा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े मसले बड़ी बड़ी बातों से खंडित नहीं किए जा सकते। चीज़ों को बढ़ाना छोड़िए, ख़त्म करना सीखिए। मैंने कई बार कई लोगों के झगड़े देखे, मैं उनके बीच में जाकर के मैंने जब हमेशा एक ही बात कही कि अच्छी बात है आपको झगड़ना, आपको अपनी बात को प्रूव करना है, लेकिन मेरा आपसे कहना है कि इन चीज़ों से निकलेगा क्या, कि तुम तीन लड़के ला करके उसको पीटोगे। बचपन के दिन याद करो, जब लड़ाई हो जाए स्कूल में कॉलेज में, देखो देख लेंगे। तो पांच लड़के ला करके आपने उसको पीटा, छह लड़के ला करके उसने आपको पीटा, फिर आप 15 लड़के ले जाकर के आपने उसको पीटा, वो 20 लड़के ले जाकर के आपको बीच रास्ते में रोकता है, तो इससे होगा क्या। चीज़ें तो बढ़ेंगी ना, चीज़ें हमें बढ़ाना नहीं ख़त्म करना है। जब भी कभी कोई बात हो तो उस बात को ख़त्म करके अपने लक्ष्य की ओर आए, क्योंकि जो आपका लक्ष्य है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं, लक्ष्य महत्वपूर्ण है। आप अपने जो भी व्यापार, यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी बैठे हैं, कस्टमर आता है आप उससे व्यापार की बातें करते हैं ना, लेकिन आपको पता है कि बातें महत्वपूर्ण नहीं है। बातें इसलिए करें क्योंकि माल ले लें, महत्वपूर्ण बातें नहीं। महत्वपूर्ण हमारा लक्ष्य है कि हमको पैसा कमाना है। आप गुरुओं को आहार भी देते हैं, प्रभु की भक्ति भी करते हैं, महत्वपूर्ण अभिषेक करना है, लेकिन बाकी सब बातें करते हैं। गुरुओं के पास भी आते हैं तो गुरुदेव एक चम्मच थोड़ा सा ले लीजिए प्लीज़, इतना सा, एक कुछ नहीं होता, एक में कुछ नहीं होता। आपको पता है कि बातें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण हमारा लक्ष्य है। लेकिन वो जो बातें वही करना चाहिए जो आपके लक्ष्य तक आपको ले जाती हो। जो बातें आपको आपके लक्ष्य तक ना ले जाए उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं। समझदार व्यक्ति उन्हीं चीज़ों पर गौर करता है जो आवश्यक होती है। हर चीज़ों पर गौर करने से लक्ष्य बिखर जाता है, और एक बार जिसका लक्ष्य बिखर गया है वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए छोटी छोटी बातों को दिल में ना रखें। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े बड़े काम अधूरे रह जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। छोटी बात, एक पीए को उसके विधायक जो था उसके पीए ने कुछ बोल दिया, सर मुझे फ़ोटो खिंचाना है, उसने उसको धक्का मार दिया। छोटी सी बात दिल में रख ली,
छोटी सी बात दिल में रख ली, मैं आपको सच घटना बता रहा हूँ। भारत के विधायक का एक पीए था, उसके परिवार के कुछ रिश्तेदार वगैरह आए थे। भाई विधायक का पीए, और विधायक बड़ा फेमस था, लोगों ने कहा उससे कि मुझे विधायक जी से एक फ़ोटो खिंचवाना है साथ में। वो बोला विधायक जी मेरे परिवार के लोग एक फ़ोटो खिंचाना है। विधायक ने उसको धक्का मार दिया। विधायक ने भी छोटी सी बात पर गौर नहीं किया, उसने भी गौर नहीं किया। फ़ोटो खींचना तो खींच जाती, क्या फ़र्क पड़ता था, धक्का नहीं मारना था, मना कर देते। और फ़ोटो खींच भी आई तो क्या होता, विधायक का चेहरा थोड़ा चला जाता। उसने बात दिल में रख ली और मौका देखा, और उसके पूरे घर के लोगों को उस पीए ने एक दिन रात को आकर ख़त्म कर लिया। फांसी हो गई उसको, सजा हो गई उसको, लेकिन हुआ क्या, तुम भी मरे और वो भी मरा, हल क्या रहा। उस बात को वहीं शॉर्ट आउट कर देते कि अरे आपने अच्छा नहीं किया, मुझे धक्का नहीं मारना था। विधायक भी कहता कि आई एम सॉरी, यहाँ पूरी बात ख़त्म हो जाती। लेकिन वो जो अंदर आग जलती है रिवेंज की, वो रिवेंज की आग आपको ले डूबती है, रिवेंज की ओर ना जाए। जितना बड़ा व्यक्ति होता है वो उतना कम रिवेंज लेता है। राम चाहते तो रावण को हराने के बाद, अगर राम चाहते रावण को हराने के बाद उनकी पूरी रानियों से पूरे महल में झाड़ू लगवाते। राम चाहते तो बोलते बांटो 18,000, अपन सब बांट लेंगे 3,000, 10 तुम्हारी 20 तुम्हारी। लेकिन राम ने रिवेंज नहीं लिया, राम ने बस सीता चाहिए थी, बात खत्म। राम ने कोई और प्रतिकार नहीं दिया कि राम धनुष हाथ में घुमाया हो, कि राम ने तीर और छोड़े हों, कि नाचे हों रणभूमि में। नहीं नहीं, राम ने जीतने के बाद गंभीरता से एक स्थान ग्रहण कर लिया। यही बड़े लोगों की पहचान है, लक्ष्य पूरा होने के बाद वो और गंभीर हो जाते हैं, बातें करके खुद को बिखेरते नहीं। जो एग्रेसिव हैं, रिवेंज ले रहे हैं, ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना है उनका सूर्य से जल्दी होगा, जो रिवेंज ले रहे हैं उनका सूर्य से जल्दी होगा। छोटी चीज़ का हो बड़ी चीज़ का हो, दो बच्चे घर के बाहर लड़ रहे थे, बच्चे तो बच्चे हो तो खेलेंगे लड़ेंगे, उनके माता पिता आए आपस में लड़ पड़े, और एक ने जो बच्चा था जिसने चाटा मारा था दूसरे बच्चे को, उसको डंडा मार के उसका सिर फोड़ दिया, क्या कर लिया तुमने। बच्चों की लड़ाई थी वैसे ही ख़त्म कर देते। किसी एक अच्छे नीतिकार ने बहुत अच्छी बात करी है कि प्यार से बातें ख़त्म करी जाएं, बातों से प्यार न ख़त्म किया जाए। अपन बैठ के बात कर लें, चीज़ शॉर्ट आउट हो जाएगी, काम की कच्चे ना बने। अगर आप बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट मेडिसिन, जवाब देने से बातें बढ़ती हैं। नहीं हो तो आज आप यहाँ बूंदी में खेले चले जाना, या किसी बावड़ी में चले जाना, नदी में चले जाना, वहाँ खड़े होकर बोलना हेलो, तो आवाज़ आएगी हेलो। आप बोलना गेट आउट, तो वहाँ से आवाज़ आएगी गेट आउट। फिर आप कहना तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुमको वही आवाज़ आएगी तुम भी अच्छे इंसान नहीं हो। अगर आप आवाज़ नहीं दोगे तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन अंदर से वो प्रतिशोध की भावना आती है, क्योंकि संस्कार बन चुके। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन आप सबको एक शिक्षा देना चाहता हूँ, प्रतिकार की भावना आपको छोटा कर देती है। प्रतिकार करने से कभी कोई बड़ा नहीं बनता। कई बार चीज़ें ऐसी होती नहीं जैसी आप समझ लेते हो, हर बार व्यक्ति गलत नहीं होता, कई बार गलत फहमियाँ भी होती हैं, और कई बार चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के भी बताया जाता है। तो ये चीज़ें आपके लक्ष्य को भटका सकती हैं। ध्यान रखना कि नदी जब बहती है वो केवल एक ही लक्ष्य लेकर निकलती है, मुझे समुद्र तक जाना है। कहीं बीच में वो अपना अस्तित्व मिटते मिटते बचाती है, और कई बार कईयों का अस्तित्व मिटाती है, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, वो समुद्र तक पहुंच जाती है। नदी वो कभी नहीं पूछती कि दूरियाँ कितनी हैं, कि गड्ढे कितने हैं, उतार चढ़ाव कितना है। आप लोग तो पूछते हो कि इस मार्केट में कैसा है, इस बिजनेस में कैसा है, इस स्टडीज़ में कैसा है। नदी तो कभी नहीं पूछती, नदी केवल अपना खेल दिखाती है, और खेल दिखाने के कारण नदी सागर बन जाती है। बड़ा बनना है तो यू हैव टू रिमूव हर्डल्स, यू हैव टू इग्नोर हर्डल्स। आप हर्डल्स को लेकर के नीचे चले। लंबी दूरी तय करने के लिए छोटे मोटे जो मोड़ होते हैं उन पर नहीं रुका जाता,
जो छोटे मोड़ होते हैं उन पर जो लोग रुक जाते हैं वो लक्ष्य तय नहीं कर पाते, कितना दूर है कितना दूर है सोचते रहोगे तो पहुंच ही नहीं पाओगे। जस्ट डू इट, बट रिवेंज नहीं करना, रिवेंज नहीं लेना कि उसने ये किया मैं भी यही करूँगा। तो ले लो भाई, ले लो भाई, तुमने किसी तुम्हारे किसी पहचान वाले ने तुम्हारे परिवार के साथ गलत किया है, तुमने उसके साथ गलत कर दिया है, हिसाब बराबर, तुम भी वही हो और वो भी वही है, दोनों में अंतर नहीं, मैं नहीं मानूंगा दोनों में कोई अंतर है, दोनों ही बुरे हैं। अच्छा कोई नहीं, अच्छा कोई नहीं कहलाएगा फिर आपको, कोई अच्छा कह नहीं पाएगा। लंबी दूरी तय करना है तो छोटे मोड़ों पर नहीं रुके। आप भी कहीं यात्रा तय करते हैं तो आप ट्रेन में जाते हैं तो देखो अब जो लंबी दूरी वाली ट्रेन होती है बहुत कम स्टॉपेज रुकती है, और लंबी दूरी ट्रेन वाली जो है लंबी दूरी वाली ट्रेन छोटे छोटे स्टॉपेज पर रुके अपने लक्ष्य को बहुत देर से पहुँचती है, फिर स्पीड भी स्लो होती है, चीज़ें भी हावी हो जाती हैं। तो लंबी दूरी तय करने के लिए वक्त तो लगता है। और एक बात मैंने किसी अच्छे शायर से सुनी थी बचपन में कि नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, गांठ अगर बन जाए तो खुल जाने में उसे वक्त तो लगता है, और लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। जब लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता ही है तो दुखी क्यों? आपको पता है कि यहाँ से चांद तक जाना है तो लंबी दूरी तय करने में वक्त लगेगा, तो आप बीच बीच की बातों पर ज़्यादा लोड ना लें, चीज़ें चलती रहेंगी, चलती थी चलती रहेंगी। व्यापार करना, अभी धूप है, अभी से दीवारें गर्म हो चुकी हैं, दोपहर में 48 डिग्री टेम्परेचर आएगा, तैयार हो जाएं, रात तक भी 40 नहीं होगा। व्यापार करना है तो वो जो किसान होता है जो गल्ले वाला होता है वो अभी भी गल्ला ढो रहा है, जो रोड कॉन्ट्रैक्टर से वो भी खेत पर अपने फील्ड पर डले हुए हैं, इतनी बड़ी गर्मी में भी 200 डिग्री की टेम्परेचर में डामल पिघलाया जा रहा है, सब लगे हुए हैं। तो जिनको लक्ष्य प्राप्त करना है, और जिनको लक्ष्य प्राप्त नहीं करना है वो घर में एसी कूलर बैठेंगे, वो भाई बहुत इट्स वेरी हॉट, अभी तो बाहर नहीं जा सकते तो तुम ऊँचे नहीं बन सकते। बड़े बाप के बेटे तो बनना लेकिन बड़ी मेहनत वाले जरूर बनना। लेकिन रिवेंज कभी किसी से मत लेना। अगर आपने किसी से रिवेंज लिया है मैं आपको अच्छा व्यक्ति नहीं मानूं। बदला लेने वाला छोटा होता है, क्रोध करने वाला छोटा होता है, जो बदला लेते हैं क्रोध करते हैं वो ज़्यादा जो बदला लेते हैं क्रोध करते हैं वो ज़्यादा बड़े व्यक्ति नहीं होते, वो मतलब कमज़ोर व्यक्ति, क्योंकि वो वॉल्केनो बाहर निकल चुका है। तो लेट्स डू इट, अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाते हैं। लंबी दूरी हमें तय करना है, बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, हर बात पर गौर न करें, हर बात पर गौर करने से मन खराब हो जाता है, और मन खराब हुआ फिर आप पहुंच ही नहीं पाओगे उतनी दूर तक। मन को खराब नहीं होने देना है, मन को वैसे ही बना के रखे जैसे है। हकूना मटाटा, जस्ट इग्नोर थिंग्स और अपनी खुशी के लिए जिए, नो वरीज। कहने वाला कहे और करने वाला करे, जीत से जवाब देंगे, जीत के जवाब नहीं देंगे। ऐसा अगर आपने मन में सोच लिया और ऐसा अगर आपने चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं कर लिया, मेरा मानना है विश्व के पटल में आपका नाम रहेगा, विश्व के पटल पर आपका नाम रहेगा। गांधी जी से लोगों ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने 4 शादी की है, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारे पिताजी ने कितनी शादी की उसे तुम्हें क्या करना, तुम हमारे पिताजी थोड़ना हो। वो अपने आप को प्रूफ करके आज भी नोट में गांधी जी की फ़ोटो चल रही है। तो बड़ा बनना है तो जो चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, इस नीति को जीवन उतारना। शेष और आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विश्व नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। एक ऐसा परम पवित्र अनादि मूल मंत्र जिसके स्मरण मात्र से मिट जाते हैं भव भव के संताप, जो कराता है।